मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कच्चे आम और हरी मिर्च की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। गर्मियों में आम बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्च के डंठल हटाकर मिर्च को इस तरह से दो पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी हरी मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम आम को छीलकर उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आम और हरी मिर्च को हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं रेसिपी बनाने की ओर। इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 पिंच हींग, इन्हें डालकर अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। मिर्ची को डालते समय हम ध्यान रखेंगे कि अपने हाथ में कोई ढक्कन या पैन की लिड को पकड़ लें, जिससे कि सीड्स निकल के हमारे ऊपर नहीं आएंगे। मिर्ची को 1 मिनट चलाते हुए ऑयल में भून लेंगे। मिर्ची हल्की सी भुन गई है, अब हम इसमें कटे हुए आम डालकर उसे भी हल्का सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है। मिर्ची और आम हल्के से भुन गए हैं, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें बहुत ही कम मसाले का यूज़ किया है, आप अपनी चॉइस के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मसाले आम मिर्च में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हल्के से भुन भी गए हैं। अब हम इसे कवर करके 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि आम अच्छे से गल जाएगा। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक करते हैं। अब ये आम और हरी मिर्च की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसमें आम भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, ये आसानी से टूट रहा है, आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है, आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय करें, ये खाने बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।